और देखिए यूपी के फतेहपुर से बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर धर्मांतरण केस में अब बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ी अपडेट आ रही है। लंदन से फंडिंग की आशंका पर अब नोटिस दिया गया है। प्रयागराज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कोतवाली पहुंच गए हैं, क्योंकि इन्हें समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए। वीसी को आज पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप है इन पर, और साथ ही साथ कुल मिलाकर चार लोग ऐसे हैं जिन पर यह आरोप लगा है। वीसी के साथ साथ प्रीति श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ है। प्रीति, इससे पहले हमने आपसे जानकारी ली थी और आपने बताया था कि ना सिर्फ वाइस चांसलर बल्कि साथ ही साथ कुल मिलाकर चार ऐसे लोग हैं जिनका इसमें नाम सामने आ रहा है। तो एक तो फंडिंग को लेकर, और दूसरी बात जो अभी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, इस पर क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो वीसी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, वो पहुंच चुके हैं थाने और उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। 20 सवालों की जो फहरिस्त है, 20 सवाल पुलिस की तरफ से हैं, उनके सवालों के जवाब इनको देने होंगे। फंडिंग को लेकर बड़ा आरोप लगाया गया है कि विदेशों से इनको फंडिंग की जा रही थी और सही लोग थे उनको लुभा के, मतलब पैसों का लालच देकर ये धर्मांतरण को लेकर इस तरीके के लोगों को लुभाते थे, इसका आरोप इन पर लगाया गया है। और हालांकि अभी जो है 20 सवालों की लंबी फहरिस्त जो है पुलिस की तरफ से तैयार की गई है, ऐसा खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। और अभी फिलहाल की जो अपडेट है वो जो है इंफॉर्मेशन की जो पूछताछ है वो शुरू हो चुकी है और पूछताछ की जा रही है एग्रीकल्चर वीसी से। चलिए ठीक है, 20 सवालों की फहरिस्त को तैयार किया गया है जो वीसी है प्रयागराज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और साथ साथ कुल मिलाकर चार लोग हैं। और ये देखिए उसी पूछताछ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसकी जानकारी प्रीति इस वक्त दे रही है।